तो भाई विशाल ने चला दिया भाई मस्त। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हो रही है शाम। गाइज अभी मैं और शायस जा रहे भाई अपनी थार लेने। हमारी थार पे ना बहुत ज्यादा स्क्रैच लग रहे थे तो उस पे हमने पीपीएफ करवाई है। गाड़ी मस्त लग रही है, मैं देख रहा हूं, चमकीली हो रही है एकदम। चले हम चलो पंची बनू पंची फिरू मस्त लग रहे। भाई शायस और विशाल मेरे पीछे से गाड़ी की डिटेलिंग स्टूडियो में जाके गाड़ी को देख के आ गए। एक्सपोज कर दिया गाड़ी को। चलो तो गाइज जल्दी से चलते हैं, गाड़ी को लेके आते हैं, उसके बाद भाई मस्त पटाखे चलाएंगे। शायस तो खतरनाक मिसाइल चला देता है। गाइज अभी मैं आपको शायस के बम दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई पूरा डिब्बा भरा हुआ है बम का, इसमें फुलझड़ी चक्री वगैरह सारे बम है। तो वहाँ से आके इन्हें चलाएंगे भाई मस्त। एक और पिपली भरी पड़ी है, उसे भी चलाएंगे भाई, सारे खत्म कर देंगे आज। आज तो मैं विशाल के साथ मस्त आइसक्रीम खा के आया हूँ। भाई देख रहे हो ये अकेले चले जाते हैं भाई मुझे छोड़ के। पापजी पुरु का ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। भाई हरकतें करता है वो तुम्हारी तरह। आज हटाया उसका फ्रैक्चर। दो दिन में फ्रैक्चर भी हट गया। शायद है ना पागल है, एक दिन में कोई फ्रैक्चर सही होता है। सच कह रहा हूँ, कल लगी थी आज हट गया। तो गाइस अभी विशाल आ चुका है, गाड़ी देखिए। उसने पता क्या किया था, उस पे स्क्रैच थे ना वो मिटाए नहीं थे, फिर मैंने बोल के मिटवाए हैं। थार वर्से एक्टिवा की रेस करेंगे। भाई जल्दी से चलते हैं, कहीं दुकान वाला भाई दुकान बंद करके ही ना भाग जाए। तो हम मिलते हैं आपको दुकान में बाय। तो गाइस देखो मस्त हो गया भाई गाड़ी, मस्त पीपीएफ करवा लिया है, अब कोई स्क्रैच नहीं लगेगा इस पे। अंकल आप इसके बोनट पे स्क्रैच नहीं हटा रहे थे। तो भाई अभी गाड़ी को बाहर निकालते हैं और चलते हैं भाई घर। तुझे पता गुड़गांव में भाई जादूगर का शो लग गया बहुत ही मस्त। चलो फिर देखने कल चलेंगे, 7 बजे का शो है जादूगर सिकंदर भाई, खतरनाक भाई। ऐसा जादूगर है आदमी को गायब कर देता भाई। विशाल को गायब करवाऊंगा भाई। तो भाई इस भाई ने करिए रैप। ये देखो भाई ये है भाई का स्टूडियो और अभी हमारी गाड़ी बाहर निकल रही है भाई फाइनली। भाई मैं रैप नहीं करवाता अगर रोज भाई कांटों से भाई इतने स्क्रैच लग रहे थे ना, दिमाग खराब हो जा रहा था। जो भी स्क्रैच लगता था ना सीधा भाई दिल पे लगता था भयंकर वाला। एक नंबर होगी भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगी। पर भाई पैसे बहुत ज्यादा ले लिए पीपीएफ के, पता है कितने की हुई है? कितने की? 58,000 रुपए की। तो भाई जब हम घर आ गए थे अभी भाई सारे बम्बो को ले जा रहे ऊपर, वहाँ मस्त चलाएंगे भाई। विशाल को बुला लिया तूने? तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं हमारे पास कौन कौन से पटाखे हैं भाई साहब मस्त। ये देखो भाई शायद तो सिर्फ पॉपअप छुटाता रहता है, तो भाई अभी विशाल जलाएगा मस्त मिसाइल। मिसाइल में मजा आएगा भाई, रात को ना उसमें से आग भी दिखेगी। मैं जलाऊंगा। अबे माचिस तो दे। ये कौन सी माचिस है? एलिफेंट माचिस। ये देखो भाई कैसी माचिस है, इस पर हाथी छपा हुआ है। भाई पता है हम क्या करते थे पहले, इस माचिस को दोनों साइड से फाड़ के उसके ताश बना लेते थे और उससे खेलते थे भाई। ये देखो भाई पॉप अप कैसे फोड़ रहा है। थारा भाई जोगिंदर जलाएगा। भाई छाती मत फोड़ लियो तू जोगिंदर के चक्कर में, दिल टूट जाएगा मेरा। तो भाई अभी मस्त मिसाइल जड़ाई मगर शायस ने अगरबत्ती गिरा दी भाई। तो गाइस अभी जला रहे मिसाइल, अभी जाएगी सीधा आसमान में। फिर से गिर गई भाई अगरबत्ती, भाई इन्होंने ढंग से नहीं लगाई इस बार, इधर उधर गिर रही है भाई बार बार। अभी माचिस बम से लगी हुई है, जब भी माचिस बम जला रहा हूँ। गाइस पिछली बार जब विशाल ने जूते के नीचे पटाखा जलाया था ना तो शायस को लग गई थी भाई। माचिस बम के पीछे ना ईट का टुकड़ा सा होता है, वो भाई उछट के लग जाता है भाई किसी को भी। ये देखो भाई ये पत्थर जैसा होता है, ये भाई तेज लगता बहुत। तो भाई माचिस बम देख के चलाने चाहिए। ये देखो भाई शायस कहाँ माचिस बम चला रहा है, ये देखो भाई फूटेगा भाई, देख के चलिए लग भी सकती है इससे। ये देखो बार बार लगा के भाग रहा है शायस। ओ तेरी भाई। और सबसे बढ़िया तो ये मिसाइल है भाई, इन्हें चलाने में मजा ही आ जाता है। ये देखो शायस चला रहा है। धूम मचा दिया इसने तो। विशाल ने कोई 20 मिसाइल छुड़ा दी भाई। दरा दरा थोड़ी बैक टू बैक, रात को तेज आवाज करती है वैसे। ये देखो भाई बैक टू बैक फायर हो रहे हैं। तो भाई शायस को तो बिल्कुल डर नहीं लगता मिसाइल से। गाइस ये जो मिसाइल है ना ये भाई छोटे बच्चों का पटाखा है, इसमें ज्यादा बारूद नहीं होता, इसलिए शायस को चला लेने देता हूँ मैं, नहीं तो भाई पटाखे बच्चों के लिए बढ़िया नहीं है। पॉपअप और माचिस बम तक तो ठीक है, उससे बड़े पटाखे बच्चों को नहीं देने चाहिए भाई। ये देखो भाई हमारे पास पिछले साल का भाई गुड़िया का अनार भी पड़ा हुआ है, ये अनार ना बहुत ही मस्त चलता है, तो अभी चला के दिखाएंगे आपको। मेरे पास ही फेंक दिया पटाखा। तो भाई इस अनार को जलाने के लिए ना हम फुलझड़ी जला रहे हैं, क्योंकि फुलझड़ी से आसानी से चल जाएगा, बाकी काफी मस्त चलता है अनार। और भाई देखो मस्त चल भी चुकी है फुलझड़ी, अब चलाएंगे ये वाला अनार, मस्त मजा आएगा। तो भाई विशाल ने चला दिया भाई मस्त। ओए
ये देखो भाई साइंस की फुलझड़ी। तो गाइस देखो हमने मस्त फुलझड़ी जला दी भाई। तो गाइस साइंस देखो भाई साहब कितनी मस्ती कर रहा है फुलझड़ी लेके। ये देखो भाई हमें कौन से पटाखे मिले भाई चुटपुट मस्त वाले चटर पटर। विशाल कौन है ये? ढोलू बोलू। ढोलू बोलू छोटा भीम में आते हैं ढोलू बोलू। ये ढोलू है बोलू है। तो भाई अभी चटर पटर चलाते हैं मस्त चलेंगे भाई। ये ये देखो भाई विशाल चलाएगा चटर पटर। गाइस ये वाला पटाखा भी मेरा फेवरेट है चटर पटर भाई मस्त चलता है बहुत ही बढ़िया। तो भाई अभी विशाल चला रहा है चटर पटर हो सकता है खराब निकले क्योंकि पिछले साल का भाई ये। मस्त चटर पटर था भाई साहब। इससे बढ़िया पटाखा नहीं लगता भाई मुझे कोई। भाई चटर पटर ना सबसे मस्त पटाखा लगता है मुझे क्योंकि भाई इसमें बेमतलब में आवाज नहीं होती ना। अभी विशाल देखो भाई एक और चटर पटर चला रहा है भाई पिछले साल के पटाखे फिर भी मस्त चल रहे हैं भाई खराब नहीं हुए यार। आसपास लोग सोच रहे पागल हो गए दिवाली से दो महीने पहले जला रहे पटाखे। भाई उन्हें क्या पता हमारे पास पहले के बचे पड़े हैं भाई हम तो चलाएंगे भाई। तो भाई अभी हम चलाएंगे चक्री। गाइस एक ना सीटी वाली चक्री आती है वो पिछले साल लाए थे हम बहुत ही मस्त आवाज करती है चिल्लाती है बहुत बुरी तरह वो भी लेके आएंगे अभी दो चार दिन में गोदाम से। तो भाई अभी चक्री चलाने के लिए फुलझड़ी जला रहे हैं क्योंकि चक्री और अनार के लिए भाई फुलझड़ी बहुत जरूरी है। ये दोनों पटाखे थोड़े खतरनाक होते हैं इसलिए इन्हें दूर से चलाना चाहिए। अनार और चक्री फट भी जाते हैं भाई। ये देखो भाई इनकी दिवाली शुरू हो गई भाई सब मस्त वाली। तो भाई अभी विशाल ने चला दिए चक्री। ओए मस्त चल गई भाई चक्री। विशाल देखो कान आँच रहा अगर फट गई ना इसकी चड्डी फट जाएगी भाई। धुआं धुआं कर दिया पूरी छत पे भाई। अबे यार ये पप्पी देखे भाई क्यों करता है। अभी ना कहाँ लेके जाएगा यही छोड़ दो छत पे ही। ये देखो भाई शायद तो भाई नीचे लेके जाएगा इन बम्बो को किसी को नहीं देगा भाई। ये देखो भाई शायद कमरे में ले आया पटाखों को। भाई कमरे में नहीं रखने चाहिए पटाखे आग लग सकती है इन्हें साथ ही लेके सोएगा। तो गाइज मस्त मजा आया पटाखे चला के। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय। भाई फोन में हाथ मार के ना रोज फोन गिरा देता है मेरा।